आज मैं वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसमें बच्चों को क्लास में जाते हुए भी शर्माई उठानी पड़ती है, लोग मजाक करते हैं। जब बच्चे की शादी होने लगती है तब भी उसके सामने समस्या आ जाती है। लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं अच्छा, सुंदर और लंबे कद का हो। जिन बच्चों के छोटे कद होते हैं वो क्लास में भी बड़े बच्चों के आगे शर्मसार होते हैं, और जब उनकी शादी होने लगती है और समस्या आ जाती है। कहीं भी रिश्ता होने लगता है तो पहले से ये पूछते हैं कद कितना है। अरे, छोटे बच्चों के लिए तो समस्या आ गई, रिश्ता ही नहीं मिलता। लेकिन आज मैं आपको ऐसे बच्चों के लिए उनकी समस्याओं का हल बताने जा रहा हूँ। क्या है? तीन आसन बताने जा रहा हूँ, जो देखोगे और करोगे तो कद 3 इंच की गारंटी देता हूँ। आज आप इसको सब्सक्राइब करें और एक घंटी का पॉइंट है उसको दबाएं। साथियों, मेरे जितने वीडियो बनेंगे वो सब आपके पास पहुंचेंगे। नंबर 1, ताड़ आसन। साथियों, ताड़ एक ऐसा वृक्ष है जो जितना लंबा होता है उतना ही उसकी जड़ें गहरी होती हैं। 3 आसन हम करके दिखाएंगे। ताड़ आसन लेट के भी किया जाता है और खड़े होकर भी किया जाता है। देखिए, हम ताड़ आसन करके दिखा रहे हैं। एक लड़का, इसका कद तभी बढ़ गया है क्योंकि ये ताड़ आसन करता है। चलिए, ताड़ आसन 2 तरीके से किया जाता है। खुले हाथों से ऊपर से हाथ खींचो, नीचे से पैरों को एड़ियां पंजों के बल खड़े हो जाना है। रुक जाएं, सांस छोड़ के, अब इसको सांस भर के हाथों को इंटरलॉक करके फिर ले जाएं ऊपर ले जाएं। कोनियाँ सीधी और एड़ियां उठी, वापस आ जाएं। दूसरे में ये करेंगे, ऐसे भी दाएं बाएं आप झुक सकते हैं। एक बार और करके दिखाएगा। पहले ऊपर जा, सीधे हाथ ऊपर चले, हाथ इंटरलॉक रहेंगे, फिर दाएं झुकें, सीधे होके फिर बाएं झुकें, एड़ियां उठी रहेंगी वापस। इसको हम लेट के भी कर सकते हैं। साथियों, नाभि पे दोनों हाथ इंटरलॉक करके नाभि पे रखो, साथ ही साथ देखते रहो कैसे हो रहा है। सांस भर के दोनों हाथों को ऊपर ले जाओ, ऊपर से हाथ खींचो, खोल दो हाथ, हाथ खींचो, नीचे से पैरों को नीचे की तरफ खींचना है। नाभि से ऊपर हाथों को ऊपर खींचो और नाभि से नीचे पैरों को नीचे खींचो। 2 भाग कर लो अपने शरीर के, सांस छोड़ते वापस आ जाओ। एक बार और करके दिखाओ ताकि बच्चों को समझ आ जाए पूरी तरह। ताड़ आसन, देखिए, ताड़ एक वृक्ष है जो जितना लंबा होता है उतना ही नीचे गहरा होता है। इसका काट नाम इसीलिए ताड़ आसन पड़ा है। वापस आ जाओ। दूसरा आसन है चक्रासन। चक्रासन भी हम बच्चे ज़्यादा जो एक्टिव हैं, हेल्दी हैं, वही करें। झटका नहीं लगाना, आराम से करना है। अब चक्कर आसन कराया, जो बच्चा चक्कर आसन कर सकता है, घुटने मोड़ लें, हाथों को घुटनों कंधों के पीछे उल्टा करके रख लें और कमर उठानी शुरू करें और फिर कोनियाँ सीधी कर देंगे। देखिए चक्कर आसन,
बहुत अच्छा किया है बच्चे ने, धीरे से वापस आएंगे, ज़्यादा झटका नहीं, वापस। देखिए चक्रासन ताड़ बताने के कद बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आसन है। चलिए एक बार और करके दिखाएगा। देखिए कितना बढ़िया है चक्रासन, वापस। अब एक बड़ा ही बहुत बढ़िया आसन सर्वांग आसन। सर्वांग का मतलब है सभी अंगों को लाभ देगा, सभी शरीर के रोगों को इलाज देगा। सर्वांग सब अंगों को लाभ देने वाला है। चलिए देखिए बच्चा करेगा सर्वांग आसन। धीरे से ऊपर जाएं, टांगे बिल्कुल आँखों के सामने, गर्दन थोड़ी सी झुकी हुई, छाती सीधी, बिल्कुल घुटने सीधे। सर्वांग आसन सभी अंगों का राजा है ये। धीरे धीरे हलासन भी कर सकता है जो बच्चा कर लिया करेगा। पीछे जाएं, पीछे, ठीक है, वापस, धीरे धीरे वापस आए। सर्वांग आसन, चक्रासन, ताड़ासन, कद बढ़ाने के लिए जॉगिंग और रस्सी कूदना तथा अपने घर में वृक्ष के ऊपर, अच्छे पेड़ के ऊपर रस्सी बांध कर उसका गोलदायरा बना के उसको खींचते हैं। लड़कों ने तो अपने घर में डंडा लगा रखा है, वो उसको लेके झूला झूलते हैं। इस वीडियो को अपने साथ घरों में सबको शेयर करें और बच्चों को ज़रूर दिखाएं। आप इसको सब्सक्राइब करें और एक घंटी का पॉइंट है उसको दबाएं। साथियों मेरे जितने वीडियो बनेंगे वो सब आपके पास पहुंचेंगे।